गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशीष और आज जो डिस्कस कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम या एक नाम आता है प्लाज्मोडियम, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्लास 12th और नीट एग्जाम। प्लाज्मोडियम 12th का टॉपिक है। और प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है प्रोटोजोआ। यदि बोला जाए प्लाज्मोडियम क्या है तो आपका आंसर आया प्रोटोजोआ। इसके अलावा यदि बोल दिया है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ में कहाँ आएगा, किस ग्रुप में आएगा, तो उसका नाम आएगा स्पोरोजोअंस या स्पोरोजोआ, जो आपने स्टडी किया था क्लास 11 में। ओके, तो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज भी होती है, जैसे एक बोलता प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सी फेरम। तो ये क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज होती है। ओके, तो यहां पे जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ध्यान रखिए, यदि बोला जाए आज क्या डिस्कस कर रहे हैं तो टॉपिक क्या आएगा? लाइफ साइकिल। भाई ये अपनी लाइफ साइकिल कितने पर्सन में कंप्लीट करेगा, तो आपका आंसर 2%। ठीक है, दोनों पर्सन के नाम क्या है? पहला नाम है ह्यूमन, और ह्यूमन में जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होगी वो होगी कंप्लीट यहां पे एसेक्सुअल। और दूसरा पर्सन कौन सा है? दूसरा मच्छर मॉस्क्यूटो। ओके, और मॉस्क्यूटो का नाम क्या है? आपका आंसर फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, ये ध्यान आप रखिए। ओके, तो यहां पे जो लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है ह्यूमन एंड मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो का नाम क्या? फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। अब क्या हुआ? अच्छा, एक और है फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, ये होता बैक्टर। यदि बोला जाए प्लाज्मोडियम को ले कौन जा रहा, तो आपका नाम है मच्छर, और कौन सा मॉस्किटो ले जाएगा, नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और जो डिसीज को ले जाता है उसे बोलते हैं बैक्टर। बैक्टर का मतलब क्या होता है? डिसीज ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिज्म, जो डिसीज को ले जाएगा। अब जैसे एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन को बाइट करता है, हमेशा फीमेल ही बाइट करेगी, तो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी जो इंटर होता है इसकी जो इन्फेक्शियस स्टेज है उसका नाम है स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट्स, ये ध्यान रखिए। ये क्या होता है? इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। और जैसे इसने ह्यूमन को बाइट किया तो ह्यूमन में सबसे पहले इन्फेक्टेड करेगा लीवर, इसके बाद ह्यूमन बॉडी इन्फेक्टेड कहाँ पे होगा? आरबीसी। और जैसे आरबीसी में स्पोरोजोइट पहुंचता है तो वहां पे आरबीसी क्या हो जाए? रैप्चर, और वहां पे रिलीज होगा एक टॉक्सिन, और इस टॉक्सिन का नाम है हीमोजोइन, और इसी टॉक्सिन की वजह से या ह्यूमन को क्या होती है? कपकपी लगती है। ठीक है, उसे फीवर आ जाएगा। तो हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया डिसीज। यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो रहा एसेक्सुअल, और यहीं पे ह्यूमन की आरबीसी में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, पर इन गैमेट का फ्यूजन कहाँ पे होगा? मॉस्क्यूटो की बॉडी में। जब एक ऐसा मॉस्क्यूटो ह्यूमन को बॉडी को वाइट कर रहा है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, और उसने इन्फेक्टेड पर्सन को वाइट किया, तो प्लाज्मोडियम कहाँ पहुंच जाएगा? मॉस्क्यूटो की बॉडी में, और वहां मॉस्क्यूटो के गट में यह होगा फर्टिलाइजेशन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्क्यूटो गट में हो रहा, और उसके बाद जो जाइगोट बनेगा और उसके बाद जो इसके स्पोर होते हैं वो मॉस्क्यूटो के सलाइवा में स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है? ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है 2 स्टेप में। ओके, स्टडी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मैं कुछ टॉपिक और अपडेट कर रहा हूँ, उसको आप देखिए। थैंक यू। और इसमें जो इंडिकेट किया गया है डायग्राम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो अभी टॉपिक मैंने डिस्कस किया, तो इसमें आप ऑब्जर्व ही कर रहे हैं ह्यूमन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है वो एसेक्सुअल है, और गैमेट का फॉर्मेशन ही ह्यूमन बॉडी में होता है,
और फ्यूजन होता है मॉस्किटो में। ओके, स्टडी कीजिए एंड सब्सक्राइब लाइक।